हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डॉक्टर फिक्सिट 148 रूफ सील को यूज कैसे करना है। तो आपका जो पैकेट आता है रूफ सील का, बकेट 5 लीटर का, 1 लीटर का या कितने भी लीटर का, उसे आपको डायरेक्ट ब्रश की मदद से सरफेस पे अप्लाई करना है। वो सरफेस आपका स्मूथ एंड सॉलिड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर RCC हो या PCC हो या प्लास्टर जैसा सरफेस होना चाहिए आपका। 7 साल की वारंटी होती है कि आपका पानी लीकेज नहीं होगा। 1.5 लीटर 2 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करता है डॉक्टर फिक्सिट का, और इसमें आपको एक कोट करना है। उसके बाद आपको 12 घंटे के लिए वेट करना है। इसके बाद आपको सेकंड कोट करना है, और उसके बाद 48 घंटे उसे सूखने देना है। ये तो हो गया आपका प्रोसेस कि रूफ सील को कैसे यूज करना है या कैसे अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे जान ले। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमने मान लिया ये रूफ छत है हमारा। अब इस पर अगर आपका 5 mm से कम का क्रैक है तो आप उस पर आपको रूफ सील का एक कोट मारना है। अगर इस सरफेस पे आपका 5 mm से ज़्यादा का क्रैक है तो आपको URP प्लस सीमेंट लेना है। URP आपको कितना लेना है, 10% लेना है सीमेंट का। इसके बाद आपको डॉक्टर फिक्सिट का प्राइम सील प्राइमर अप्लाई करना है एक कोट। इसके बाद हमारा आता है सरफेस एंड वॉल ज्वाइंट। हमारा ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जो छत होता है उसके ऊपर हम चुनाई करते हैं, तो वहाँ पे एक ज्वाइंट बन जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, URP और सीमेंट लेना है। 1 kg URP और 1 kg सीमेंट, इस रेशियो में आपको पेस्ट बनाना है और 2 कोट उस ज्वाइंट पे आपको अप्लाई करना है। अब इसके बाद आपको सरफेस और वॉल ज्वाइंट पे प्लास्टर करना है। प्लास्टर करना है जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है कि प्लास्टर में URP का यूज करना है। यह आपको डॉक्टर फिक्सिट कंपनी के तरफ से बताया गया, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लास्टर के अंदर केमिकल मिला रहे हैं तो डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW प्लस यूज करें। इसके बाद आता है आपका सरफेस और वॉल ज्वाइंट प्लास्टर पे आपको एक कोट रूफ सील अप्लाई करना है। इसके बाद आपको सैंडविच ग्लास फाइबर मेस लगाना है। इसके बाद फिर एक कोट आपको रूफ सील अप्लाई करना है। ये जो सैंडविच ग्लास है ये आपका इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ प्लास्टर के सरफेस का, और सैंडविच ग्लास फाइबर मेस और प्लास्टर आप जब ही करें जब आपको ऐसा लगता है कि आपके छत पे बारिश होगी या कहीं से पानी आएगा तो रुकेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश होगी या पानी कहीं से आएगा और छत पे नहीं रुकेगा, डायरेक्ट पाइप के जरिए बाहर निकल जाएगा, तो आप इन दो को छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।